तीन दिन पहले ही अपना 93वें बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले दिग्गज अभिनेता रमेश देव का निधन हो गया है। आपको बता दें कि इन्होंने मराठी फिल्मों से लेकर कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था, जिसके बाद मराठी और हिंदी सिनेमा में शोक की लहर है। उन्होंने बॉलीवुड में कई शानदार फिल्में दी और फिल्म उद्योग में अपने अभिनय से नाम कमाया। एक्टर रमेश देव मूल रूप से कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उन्होंने फिल्म आरती हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय के करियर की शुरुआत की थी। अपने लंबे फिल्मी करियर में रमेश देव ने कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया और अपने अभिनय के बल पर मराठी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक अपना मुकाम बनाया था। अभिनेता रमेश देव ने अपने लंबे फिल्मी करियर में सोने पर सुहागा, आजाद देश की गुलाम, कुदरत का कानून, इल्जाम, पत्थर दिल, हम नौजवान, कर्मयुद्ध, मैं आवारा हूँ, आखिरी दांव, प्रेम नगर, कोरा कागज जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया। इनके निधन की खबर सुनते ही मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है, जहां कुछ जानी मानी हस्तियों ने रमेश देव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्टर नीलेश सांबले ने रमेश देव के साथ एक पुरानी फोटो शेयर की और लिखा, उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उन्होंने बताया कि उम्र के इस पड़ाव में भी एक कलाकार के रूप में अंत तक काम करने के उनके उत्साह और इच्छा को देखकर मुझे प्रेरणा मिली। हमने अभी अभी 27 जनवरी को उनकी उपस्थिति का अनुभव किया। उन्होंने कहा, सर सेट पर आए और हमें आशीर्वाद दिया। सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। उन्होंने हमें अपने जीवन की कहानियां सुनाकर मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमारे प्रदर्शन के लिए हमारी सराहना की। एक्ट्रेस गायत्री दातार ने रमेश देव के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी तस्वीर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की और लिखा, रेस्ट इन पीस। रमेश जी के साथ काम करने वाले फिल्म निर्माता महेश मांजेकर ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, रमेश देव का निधन दुखद और अविश्वसनीय है। इस उम्र में भी वे काफी फिट थे, अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते थे। मैं उनसे एक महीने पहले एक कार्यक्रम के दौरान मिला था जहां वे आए थे, और मुझे अब भी याद है कि उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कुछ भूमिका निभाने के लिए कहा था। और कल भी हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि वे इस उम्र में इतने ऊर्जावान हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले अपना जन्मदिन मनाया। तो दोस्तों, आप भी रमेश देव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके श्रद्धांजलि दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।